तो फुलिस कर रही हूं एक सिंपल येट एजिंग इसके इंग्रीडियंट जितने कमाल के हैं ना आप हैरान हो जाएंगे आपकी स्किन पर आपको कोई फेशियल नहीं चाहिए अगर आप इसको एग्जैक्टली ऐसे ही फॉलो करते हैं तो आज अपना फेस पहले क्लीन किया था इसीलिए मैंने एक बहुत ही जेंटल क्लेंजर लिया है सभी चीजों का लिंक जो मैं यहां डिस्कस करने वाली हूं ना वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे गो एंड चेक एराउट फो योर सेल्फ आपको क्लेंजर लेना है कोई भी जेंटल क्लेंजर अच्छे से अपने स्किन पर लगाइए ताकि वो जो ऑयल आ चुका है अब नया चेहरे पर वो भी हट जाए अगर आपने Uh, कोई फेस वॉश फिलहाल यूज कर रहे हैं आप उसका इस्तेमाल कीजिए एब्सिल्यूटली नो no प्रॉब्लम सुबह उठकर तो हम सभी मुंह होते हैं लेकिन अगर आप रात के समय अपने चेहरे को अच्छे से वॉश करके बिना आलस किए और बहुत ही क्लीन करके सोते हैं तो आपकी जो मेहनत है स्किन केयर में वो लिटरली आधी हो जाती है इसीलिए प्लीज मेक श्योर कि आप रात के समय अपने चेहरे को अच्छे से वॉश करके सोई तो ये थी वो एक्स्ट्रा टेडबिट जो कि मैं आपको थ्रू आउट द प्रोसेस हर स्टेप के बाद बताऊंगी जो कि आपको हेल्प करेगी अपनी स्किन को अच्छा करने के लिए तो अच्छे से अपनी स्किन को क्लीन करने के बाद आप चाहें तो सिर्फ एक सॉफ्ट क्लॉथ से इसको क्लीन कर सकते हैं जो जेंटल क्लेंजर मैंने यूज किया है अदरवाइज स्प्लैश कीजिए पानी और अच्छे से अपने चेहरे को रेजुवनेट कर दीजिए डन अब आपका कैनवस अच्छे से क्लीन हो चुका है स्टेप नंबर टू इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये उन लोगों के लिए बहुत कारगर है जिनको बार बार डिपोजिशन हो जाता है व्हाइट हेड्स हो जाते हैं पोर्स में कुछ ना कुछ डिपोजिटेड दिखता है कभी भी पोर्स क्लीन नहीं लगते हैं आप लोगों को करना है सबसे पहले थोड़ा सा एलोवेरा जेल लेना है मार्केट बेस्ड अपना घर का बना हुआ प्लांट बेस्ड जिसके लिए आप कंफर्टेबल हैं और एक अच्छी सी थिक लेयर अपने चेहरे पर लगा लेनी है डन और इसके बाद आपको लेनी है स्टीम इट इज आज ये मैजिक करके देखना मैंने आपको बोला ना ये पूरा प्रोसेस इतना कमाल का है कि किसी भी स्टेप को उठा के आप कहीं भी इन्वाइट कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में और आप कमाल ही एक्सपेक्ट कीजिए उससे कम तो कुछ नहीं होगा जैसे जैसे आप स्टीम लेंगे आपके जो पोर्स हैं वो ओपन होंगे एलोवेरा जेल उनको अच्छे से नरिश करेगा जितना भी डिपोजिशन है पल्यूट है हैं, वो सब सब बाहर आ जाएंगे और ये सब आपके सामने प्रत्यक्ष होगा बिना बिना किसी किसी रगड़ा रगड़ी के बिना किसी के एक्सट्रैक्शन आपकी स्किन से सारा का सारा डर्ट एंड पॉल्यूटेंट अपने आप मैजिकली बाहर आ जाएंगे ये प्रोसेस ना सिर्फ आपके चेहरे की सारी गंदगी को बाहर लेकर आता है अपितु एलोवेरा जेल आपकी स्किन के अंदर पेनीट्रेट करके एक एक पोर को जो हाइड्रेशन देता है यू विल बी अमेज क्योंकि हम यहाँ मॉइस्चराइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो आज मैं अपनी ऑडियंस के लिए एक कमाल का विकल्प लेकर आई हूं मॉइस्चराइजर का फ्रॉम लोटस ऑर्गेनिक्स दैट इज बाकुचियल प्लांट रेटनॉल क्रीम पूरा का पूरा लेबल मैं आपको एक रिसेंटली दिखा रही होंगी ये हंड्रेड परसेंट रिसाइकलेबल पैकेजिंग में आता है पर्पल कलर का है और ये बहुत ही कमाल का मॉइस्चराइजर है इसके अंदर जो बाकुचियोल मेन इंग्रेडिएंट है ये रेटिनॉल का सब्सटीट्यूट है जो कि आपके चेहरे से साइंस ऑफ एजिंग को लिटरली वाइप ऑफ कर सकता है रिवर्स कर सकता है आपको इयर्स यंगर दिखा सकता है लेकिन हर ड्रग का एक प्राइस होता है बहुत सारे डूज एंड डोंट्स होते हैं तो यहां पर ये बहुत ही रेवोल्यूशनरी मैं कहूंगी कि प्लांट बेस्ड रेटिनॉल है हर कोई यूज कर सकता है देर इज नो प्राइस दैट यू हैव टू पे ऑब्वियसली प्रोडक्ट का पे करना है लेकिन इन टर्म्स ऑफ योर अपेयरेंस आपकी स्किन की हेल्थ के आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है और आपकी स्किन पर जो रेडियंस आती है ट इज वन ऑफ इट्स काइंड लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस एक्सट्रीम हाईलाइट ऑफ द प्रोडक्ट ये हंड्रेड परसेंट वीगन है हंड्रेड परसेंट ऑर्गेनिक एक्टिव से बना है एंड आप सभी जानते हैं कि मैं ऐसा वैसा कोई प्रोडक्ट आपके साथ शेयर नहीं करती हूं कभी किया है क्या जो प्रोडक्ट आपके साथ शेयर किया है वो पूरी ऑडियंस को पसंद आता है यह भी पसंद आएगा दिस इज नाइन्टी एट परसेंट आई वॉज ऑल्सो सरप्राइज नाइनटी एट परसेंट प्लांट डेरिवेटिव से बना हुआ है लगा ना आपको भी झटका मुझे भी लगा था लेकिन मैंने रेड द इंग्रीडियंट्स इट इज वन ऑफ इट्स काइंड प्रोडक्ट और जब आप यूज करेंगे आपको समझ में आएगा कि मैं जो बोल रही हूं इट्स ट्रू जो ये बोल रहे हैं दैट इज ट्रू इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है कोई पेट्रोलियम का डेरिवेटिव नहीं है अगर आपको रिंकल्स और फाइन लाइन की परेशानी है तो इसका इस्तेमाल आप अवश्य कीजिए लेकिन अगर आप 27 सेवन प्लस है और इनको अवॉइड करना चाहते हैं तो भी आप इसका इस्तेमाल डेफिनेटली कीजिए तभी मैंने कहा कि रेवोल्यूशनरी हो सकता है तो प्लीज डू गिव इट अ ट्राई नॉट ओनली दिस इसमें एसपीएफ ट्वेंटी है और ऐसा वैसा नहीं पी ए ट्रिपल प्लस का एसपीएफ इसमें है विच मेक्स इट इवन मोर स्पेशल अगर आप इसके एप्लीकेशन uh, की बात करें तो बहुत ही सटल है बहुत ही ब्यूटिफुल है और आपके अंदर मतलब आप जब इसको यूज करेंगे यू विल फील द नेचुरल फ्रेग्रेंस कोई जो बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है ऐसा कुछ नहीं है इट्स वेरी हाइड्रेटिंग आई हाईली रिकमेंड दिस सो प्लीज गो एंड परचेज योर्स सारे के सारे रेलिवेंट लिंक्स इसको परचेज करने के आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे गो एंड ग्रैप योर्स एंड हैव द बेस्ट टेस्ट टेस्ट मॉइस्चराइजेशन दिस दॉस्टराइजेशन सीजन कमिंग बैक टू एजिंग प्रोसेस इसके बाद जब आप अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन करेंगे क्योंकि जो पोर्स हैं वो क्लीन हो चुके हैं एलिव जेल ने बहुत सॉफ्टली आपके स्किन से सारा का सारा डर्ट निकाल दिया है जैसे ही आप, आप क्लीन करेंगे जितना भी डिपोजिशन है जितने भी ब्लैक हेड्स हैं व्हाइट हेड्स है वो सब बाहर आ जाएंगे और आपकी स्किन एकदम साफ एकदम चमकदार हो जानी चाहिए अगर नहीं होती है तो अगले से अपनी हो जाएगी तो तो हम आपकी वो जो जिद्दी से ब्लैक हेड्स है ना

चीज सिर्फ चेहरे तक सीमित नहीं होती है आप उसे गर्दन पर भी करेंगे क्योंकि जो फाइन लाइंस होती है तो एक अपने चेहरे पर लगा लेने के आपको बहुत ही जा रहा है देखिए टिश्यू क्या कर रहा है आपके जो पोर्स में जितना भी डिपोजिशन वो जिद्दी ब्लैक है जो पिछले प्रोसेस से नहीं निकले हैं उनसे चिपक जाता है और पीला मास्क की तरह खींच उसे बाहर निकाल देता है ये आप सेपरेटली भी कभी ट्राई कर सकते हैं अपनी स्किन के लिए एंड यू विल सी कि आपको पील ऑफ मास्क की जरूरत ही नहीं है मात्र ये एक्टिविटी उसको कंप्लीटली वही रिजल्ट्स आपको दे रही है जहां आपकी स्किन हेल्थ के लिए जितना इंपॉर्टेंट है उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस स्टेप में कोई भी मिस्टेक ना की जाए क्योंकि आप अपने स्किन बैरियर को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं उसे हैम्पर कर सकते हैं और किसी ना किसी तरीके से एक लाइफ टाइम की प्रॉब्लम अपनी स्किन पर ले सकते हैं तो क्या करना चाहिए आप इजी एंड जेंटल वेस्ट अडॉप्ट कर सकते हैं जैसे कि सैलिसिक एसिड मात्र इसका एप्लीकेशन अपनी स्किन पर कर लेने से वो जो ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स होते हैं वो जेंटली आपकी स्किन में ही गल जाते हैं और आपको किसी भी प्रकार का फिजिकल रबिंग नहीं करनी पड़ती है उनको बाहर निकालने के लिए टिश्यू पेपर एप्लीकेशन के दौरान प्लीज याद रखिएगा, एक बहुत ही थिन लेयर और उसके ऊपर आप एक कोट कर सकते हैं जो हमने पेस्ट बनाया था एग वाइट और पटेटो जूस का वो ऊपर से भी लगा सकते हैं ताकि वो अच्छे से आपकी स्किन पर सेटल हो जाए आई एरिया को आप अवॉइड करेंगे मात्र फाइव तो टू टेन मिनट्स में ये कंप्लीटली सूख जाएगा क्योंकि मेरे चेहरे पर मुझे बहुत यू नो स्टिफ एक्सट्रैक्शन नहीं चाहिए था इसीलिए मैंने इसको गीला गीला ही हटा दिया लेकिन आप इसको बिल्कुल सूखने देंगे जब स्किन एकदम टाइट फील हो तब ही निकालेंगे ये आपके अनवांटेड फेशियल हेयर किसी भी प्रकार का डिपोजिशन सबको हटा देता है और स्किन को हल्का सा ट्राई करता है लेकिन आगे चलकर हम उसे फिक्स कर देंगे और स्टेप नंबर फोर हम आपके लिए एक ऐसा फेस मास्क प्रिपेयर करने वाले हैं जो कि आपकी स्किन को इतना टाइटेंट, इतना ब्राइटेंट, इतना रेडियंट कर देगा दैट यू आर गोइंग टू फॉल इन लव विद इट कंप्लीटली सबसे पहली चीज जो यहाँ पर आपको चाहिए वो है एक पैन जिसमें आपको लेना है अप्रॉक्सिमेटली एक ग्लास पानी और एक बड़ा चम्मच फेनोग्रीक सीड्स देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा प्रिपेयर किया है आप हर चीज़ को प्रोपोर्शनेटली कम कर सकते हैं एप्सिल्यूटली नो प्रॉब्लम और अच्छे से इसको खोलने देंगे ये पांच से दस मिनट लगाएगा जब तक कि बीज कंप्लीटली यू नो पिचकने ना लग जाए आराम से तो आप इसको अच्छे से पकने दीजिए अलग से एक बोल में आपको चाहिए एक बड़ा चम्मच ऑरेंज पील पाउडर अगर आपके पास फ्रेश ऑरेंजेस अगर अवेलेबल हैं फ्रेश ऑरेंज पील अवेलेबल है तो इसको भी आप सोक करके रख सकते हैं पानी में फॉर सम टाइम और उसके बाद आगे जब हमें इस्तेमाल करना है वैसे ही इस्तेमाल किया जाएगा मैंने यहाँ पर मार्केट बेस्ड ऑरेंज पील पाउडर लिया है और इसमें पानी मिला के हल्का सा मिक्स बना लिया है ज़्यादा पानी ज़्यादा लिया है तरल बना लिया है इसको आप अलग रख दीजिए ताकि वो सारा न्यूट्रिशन पानी में अच्छे से रिलीज कर ले अगर आप घर पर बना हुआ ऑरेंज पील पाउडर ले रहे हैं तो वो बहुत ही आसान होता है दरदरा होता है वो पानी में अपना न्यूट्रिशन रिलीज करता है आप छन्नी से छानेंगे तो सिर्फ पानी आ जाएगा That is ऑल्सो पॉसिबल आप जैसे comfortable हैं वैसे आप कर सकते हैं जब आपके fenugreek सीड्स अच्छे से बन जाए एकदम पिचकने लग जाए आप फ्लेम को कर देंगे बंद और उसके बाद इसे ठंडा होने देंगे जब ये ठंडा वर्केबल हो जाए आप एक ग्राइंडिंग जार में approximately जो fenugreek सीड्स हैं उसका एक चम्मच लेंगे आपने तो एक ही चम्मच भिगाया होगा मैंने ज्यादा लिया था एक चम्मच आप फेनोग्रिक सीड्स लेंगे जो कि उबले हुए हैं इसमें आप लेंगे वही ऑरेंज पील पाउडर जो आपने सोक किया था जिस भी वे में सोक किया था उसका पानी आपको यहां लेना है मेरा मार्केट बेस्ड है तो मैं एज इट इज पूरा का पूरा ले रही हूं और इसमें आपको लेना है आपका तीसरा इंग्रेडिएंट विच इज गोइंग टू वर्क फॉर द यू नो बिल्डिंग इन योर स्किन जो कि होने वाला है आधा बनाना जी हाँ बनाना इज वन ऑफ इट्स काइंड सिर्फ बनाना लगा के देख लो कभी अपनी स्किन पर एंड यू विल अंडरस्टैंड वट एम आई से अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए और आपका अमेजिंग एंटा एजिंग फेस मास्क बनकर रेडी हो चुका है इसको आप लेंगे और जेंटली अपनी स्किन पर लिटरली मसाज करेंगे आई एम नॉट कि आप इसको मास्क की तरह जस्ट लगा लीजिए दो दैट इज ऑल्सो वेरी पावरफुल थिक कोट लगा सकते हैं पर एक पतली सी लेयर लेके अपनी स्किन को थोड़ा मसाज कीजिए तो सही यू विल सी द डिफरेंस दोनों में क्या है क्योंकि मसाजिंग से इट लिटरली यू आर पुशिंग इट इनसाइड योर तो स्किन कि वो वो मैजिक कर सके तो अच्छे से मसाज करने के बाद जस्ट लेट इट बी ऑन योर स्किन जब तक ये कंप्लीटली स्टिफ ना हो जाए जब ये स्टिफ हो जाएगा आपको अपनी त्वचा इतनी खिंची खिंची लगेगी आप सोचो कि प्रेरणा ने ये तो नहीं बोला था नहीं नहीं ये नहीं धुलने के बाद खिंची खिची लगेगी तो जब आपकी आ, स्किन स्टिफ हो जाए अगेन आप अपने चेहरे को अच्छे से वाइप ऑफ कर लेंगे पानी वेस्ट नहीं करना है इसीलिए वाइपिंग ऑफ का ऑप्शन ज्यादा कन्वीनियंट है तो अच्छे से वाइप ऑफ करके जब चेहरा क्लीन हो जाए Give a गुड स्प्लैश एंड यू आर गुड टू गो आपका चेहरा इतना क्लीन हो जाएगा माइक्रोफाइबर टाल का ही इस्तेमाल कीजिए वरना रैशेज वगैरह हो सकते हैं इतनी बार मुंह पहुंचना है अच्छे से क्लीन करने के बाद यू विल सी कि आपकी त्वचा मतलब आप आके लिखना ठीक है मैं तो हर बार ही बोलती हूं कि ऐसा हो जाएगा इतना दिखेगा वैसा दिखेगा आप आके लिखना कि कैसा दिखा यू आर गोइंग टू फॉल इन लव विद योर स्कैन ऑल ओवर अगेन क्योंकि वह इतनी सॉफ्ट एंड सपल हो जाएगी वीकली फेस मास्क आपको रिलैक्स करता है rejuvenate करता है स्किन के बैरियर की हेल्थ को मेंटेन करता है किसी भी एक्सटर्नल डैमेज से प्रोटेक्ट करता है और आपकी स्किन के ना सिर्फ स्किन बल्कि ग्लैंड को भी हेल्थ प्रोवाइड करता है यानी कि आपके जो सीबेश ग्लैंड होते हैं जो ऑयल से क्लियर करते हैं वो भी कमाल की एग्जिबिशन देते हैं फॉर द लास्ट स्टेप यू आर गोइंग टू मॉइस्चराइज योर स्किन वेरी 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 वेल आपने अपने पूरे चेहरे को अच्छे से एक्सरसाइज किया है अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स दिए हैं अब अच्छे से मॉइस्चराइज करके उन सभी चीजों को लॉक कर दीजिए जिस मॉइस्चराइजर के लिए आप कंफर्टेबल हैं आपने डीआईवाई बनाया हुआ है आप वो यूज कर सकते हैं मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट मैंने भी आपके साथ शेयर किया है आप वो यूज कर सकते हैं जिस चीज के लिए आप कंफर्टेबल हैं आप वो यूज कर सकते हैं एंड यू कैन मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट अगर आप डीआईवाई रेमेडीज और मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट्स का सही संतुलन बनाते हैं तो यकीन मानिए आप अपनी त्वचा को बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स दे रहे हैं दैट इज आयुर्वेदा आल्सो एंड साइंटिफिक एडवांसमेंट्स आल्सो अगर आप यह प्रक्रिया रात के समय कर रहे हैं तो आपको सनस्क्रीन लगाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है लेकिन अगर कहीं आप इसको मॉर्निंग आवर्स में कर रहे हैं तो आपको सनस्क्रीन अवश्य लगाना है और उसके बाद यू हैव टू विन द वर्ल्ड जी हां बस इतना सही काम रह जाता है उसके बाद आई रियली होप आपको ये पूरी की पूरी प्रस्तुति पसंद आई है समझ आई है आप इसको अपने लिए डेफिनेटली इनकॉर्पोरेट करेंगे यू विल मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट लाइट चली गई तो मेरे को अंधेरे में थोड़ा सा शूट करना पड़ा है आई होप आई डिड जस्टिस टू द कॉन्टेंट जो मैं यहाँ लेकर आई हूँ और अपने जो भी फीडबैक्स हैं वो नीचे कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखेगा आई वुड लव टू रीड ऑल ऑफ देम आप सभी से मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ यूर सेल्फ